थैंक यू दोस्त। विजय, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं। मैं सड़क के बीच ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं विजय। अगर कोई अर्जेंट बात है तो बताओ, थोड़ी देर में फोन करता हूं। विजय, जी क्यों मेरा दिमाग खा रही हो तुम? ये अचानक 3000 रुपए किस लिए? एक तो पहले ही कंपनी रोते रोते मुझे सैलरी देती है, उस पर अगर मैंने एडवांस मांग लिया ना तो जानती हो मैनेजर किस नजर से देखेगा मुझे। एडवांस पैसे चाहिए क्यों? साइड मिरर का पैसा मेरी सैलरी से काट लीजिएगा सर, बस ये रिक्वेस्ट है कि अगले महीने की सैलरी से काटिएगा। अपनी सैलरी के अलावा मुझे 3000 रुपए एडवांस पेमेंट के तौर पे चाहिए थे। एडवांस पैसा? ए, ऐसे देश में जहाँ लोग मच्छी बाजार की तरफ भरे पड़े हैं, जो जनसंख्या के मामले में चाइना को भी मात देकर फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहते हैं, ऐसे देश में तुम 3 महीने के बाद छोड़ो, अगर 30 महीने तक भी सैलरी ना मिले तो भी हजारों लोग ऐसे हैं जो इस नौकरी की खातिर भागे भागे आएंगे। सर प्लीज एक बार मालिक से बात करके देखिए ना। हाँ, तुम्हारी तरह बहुत से लोगों ने एडवांस पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट की है, उससे कुछ नहीं होने वाला, प्लीज मेरी बात समझो। ठीक है, अब जाओ, मुझे बहुत काम है। तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी गलती से साइड मिरर टूटा है? अब घर की प्रॉब्लम भी मैं ही देखूं, मकान मालिक से तुम बात करो ना। मैं तभी कुछ कर पाऊंगा जब हाथ में कैश होगा। देखो पहले हमें कर्ज उतारना है, उसके बाद बाकी खर्चे पूरे करने हैं, किराया हम बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है मैं कह दूंगा। अरे मैंने कहा ना, भूल जा। अभी तो ऑफिस से निकला हूं, तुम्हारी लिस्ट में से 3 और चीजें खरीदनी है अभी, वो खरीद कर सीधा घर आता हूं बस। ए विजय, सोना माता, ठीक है? मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, इसके अलावा कभी कुछ कहा है? ए विजय, देख सोना माता, हम सबके चहेते नेता कुछ ही देर में स्टेज पर आने वाले हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारे नेता त्रिमूर्ति जी आप सभी को अपना दर्शन देंगे, आप सभी उनके दर्शन का लाभ उठाएं। हमारा नेता कैसा हो, इसकी तो बैंड बजाना पड़ेगी। हमारा नेता कैसा हो, इसको देखिए, कैसा हो, दबा दूंगी इसका। ऐसे घटिया आदमी और उसके लोगों की आवाज सुनकर मन करता है अभी जाकर इनकी पिटाई कर दो। अपनी तिरुमूर्ति गिरी के चक्कर में हमारा जीना हराम कर रखा है इस गधे ने। माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कान के पर्दे फाड़ रहा है। उसे क्या लगता है कि सिर्फ उसे ही शोर मचाना आता है? मुझे भी आता है, अभी दिखाती हूँ। देखना, माँ मुझे छोड़ के चली गई। अरे ये सब क्या है, मुझसे कोई मिलने आया है, काम की बातें करनी है, और तुम लोगों का ये शोर शराबा क्या जरूरी बात होगी? कभी मेरी चिंता की? उन लोगों ने हमारे घर के सामने इतना बड़ा स्पीकर लगा के रखा है और उसके लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, जिससे मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ऊपर से गधा पता नहीं टीवी पर इतना क्यों रोए जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जानना जरूरी है। 2 सालों से ये सीरियल देख रही हूँ, मुझे पता करना है कि ये लड़का क्यों रो रहा है। तुम में अगर दम है तो तुम्हारी पहुँच तो बहुत ऊपर तक है ना, तो मुझे बताओ ना ये लड़का क्यों रो रहा है। क्या है ये सब? शाम को जब वो लोग स्पीकर लगा रहे थे तो मैंने समझाया था,
पर वो त्रिमूर्ति के अलावा किसी की सुनते ही नहीं। वो सब मेरे ऊपर इस तरह से चिल्लाने लगे, लगा मेरी पिटाई कर देंगे। बेवजह पिटाई से मेरे बच्चे कुचे बाल कहीं गिर ना जाए, इसीलिए मैंने वहाँ से खिसक लिया। अब अगर मैंने कोई गलती की हो तो माफ कर दीजिएगा। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो ना साथ में खाना खाते हैं। चावल दिन में बनाया था, कल का सांभर पड़ा हुआ है, उसे खत्म करना पड़ेगा वरना वो खराब हो जाएगा। जल्दी से खा लो ताकि मैं बर्तन धो लूं, मुझे नींद आ रही है। अरे क्या है ये सब, चुप करके बैठो, मुझे कमीशन लेनी है उससे। जैसे ही वो मिल जाए वो चला जाएगा, ठीक है ना? क्या क्या है कि अपने आसपास के लोगों की सेवा करने के इरादे से हम राजनीति में आते हैं लेकिन वो करने नहीं देते, और आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर वो आपको बदनाम करते हैं। राजनीति ने मुझे शांत रहना सिखाया है, लेकिन मेरी पत्नी शांत रहने दे तब तो मैं जानूं। सर आपको आज ही घर जाना है कि कल? वो मेरी पत्नी पूछ रही थी कि आपका खाना लगाए कि नहीं। आप हमारे साथ खाना खाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप जैसे आदमी से हमारे जैसे छोटे आदमी की मुलाकात हो कहाँ पाती है साहब। अरे आप रुक जाइए ना, खाना खाकर ही जाइएगा हमारे साथ। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस अब जा ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरे साथ ये मेरा ड्राइवर है, बस 3 घंटे में तो हम घर पहुँच जाएंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ठीक है। आपकी वजह से आज मेरी जमीन का रजिस्ट्रेशन बिना किसी परेशानी के हो गया, तो आपने जो कहा था उससे 2 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं मैंने। अरे बिल्कुल, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 महीनों में मैं वहाँ का काम शुरू कर दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बढ़िया। आपको मेरी उसमें भी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, अरे आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही तो हमारा काम चलता है साहब, यही तो समाज सेवा है साहब। बस काम अच्छे से चलता रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सुनो मेरा कार्ड देना, मेरे ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर इस कार्ड पर है। आपका ऑफिस का घर के पास ही है साहब? घर, मेरी 2 बीवियां हैं, मेरी पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं था और इसीलिए मुझे जायदाद का वारिस पाने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। अब आपको तो पता है 2 परिवारों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। इसमें हमारे फार्म हाउस का भी एड्रेस है। ठीक है, अगर आप गूगल मैप पर जोशी फार्म टाइप करेंगे तो सीधे मेरे एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। आप आइए ना जरूर हमारे यहाँ। बिल्कुल साहब। हाँ लो, अनोखे अंदाज में। अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। आंसू बहाकर जो चीज हासिल होती है वो आंसुओं के साथ साथ बह भी जाती है। जिंदगी में कुछ खोने से आपको सीख मिलती है जिससे आपकी तरक्की होती है। क्या आप में से कोई इसका मतलब समझता है क्या? दूसरों से हासिल किया गया धन या गलत तरीके से कमाया गया धन अपने साथ बद्दुआ के सिवा कुछ और नहीं लाता। बाढ़ में आपका सुख और चैन चला जाता है और बाढ़ के नाम पे जो सरकार पैसा देती है वो बीच वाले खा जाते हैं, लूट लेते हैं आपसे। आपके नगर विकास के लिए जो फंड अलॉट किया जाता है उस पैसों से जनता का विकास करने की बजाय कुछ लोग अपने रिश्तेदारों का विकास करते हैं, क्या ये सही है? हमारे इलाके में भी ऐसा एक शख्स है जिसका नाम है रामचंद्रन, कि वो हमारी समस्याओं का हल बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए। आप बताइए उसने आपके लिए क्या किया है, क्या किया है बताइए। हम जब उसे मिलने जाते हैं तो वो दफ्तर में नहीं मिलता, लेकिन जब उसका कोई फंक्शन होता है तो वो भर भर के हम लोगों से, आम आदमियों से चंदा लेता है और अपना फंक्शन करता है, क्या ये सही है? अलग अलग पोज में अपनी फोटो खिंचवाता है, हीरो के रूप में पोस्टर छपवाता है, क्या ये सही है? साथियों अगर वो काम फिल्मों में करना चाहते हैं तो बेशक जाकर करें, राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं है। हर फंक्शन में किसी भी हीरो की कॉपी करके सेल फोन को अपने कान में यूं लगाकर पोज देता है, ये क्या नुमाइश है? एक्टरों की तरह ऑटोग्राफ देता है, ऐसे पोज देता है जैसे बहुत सोच रहा हो। अरे बताओ भाई तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन हमारे कोई बिल को पास करना हो तो वो 10 बार सोचते हैं, बताइए क्यों? क्यों लोगों के सामने ऐसी झूठी छवि बना के रखी है? लेकिन तेरा ये गंदा चेहरा सब कुछ बताता है कि तू बेशर्म है। वहाँ पे एक औरत भी रहती है। वो औरत बहुत ही चालबाज है। उस औरत ने, वो औरत तो मुझ पे भी डोरे डाल रही थी। हाँ बाप रे बाप, लेकिन मैं बच निकला। उन दिनों वो गुब्बारे से खेला करती थी, लेकिन आज वो खुद गुब्बारे की तरह फूल गई है। अगर वो बाहर कचरा फेंकने भी आती है तो 1.5 किलो सोना पहन के आती है।
आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? उनका पैसा होता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आम आदमी का यानी हमारे खून पसीने की कमाई है और इसका हिसाब हम लेकर रहेंगे। क्यों जी, वो लोगों के सामने हमारे बारे में घटिया बातें बोल रहा है, तुम उसे सबक नहीं सिखा सकते? चुपचाप बैठकर खाना खा रहे हो? अरे चैन से खाने दे, शोर मत मचा। गाली खा रहे हो, तुम्हारे गले से निवाला कैसे उतर रहा है समझ में नहीं आ रहा है मेरी, लेकिन लोगों की नजर में इसे कायर था कहते हैं। सुनना, शांत हो जा। मैं शांत नहीं रह सकती, तुम अभी जाओ और उनका मुंह तोड़ दो, वरना मैं खुद जाकर उनकी अच्छी तरह से धुलाई करूंगी। मैं जा रही हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। सुनना, चुप हो जाना, जाने देना। कोई मेरे पति के बारे में ऐसी घटिया बातें करेगा और मैं चुप रहूंगी? ए, राजनीति में जल्दबाजी में की गई कोई भी हरकत हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। चल बैठ जा, बैठ जा। क्या हुआ आपको? वो मैं डॉक्टर को बताऊंगा। विजय नहीं, विजय मुझे जल्दबाजी में किसी को एयरपोर्ट ले जाना था। तुम समझ नहीं पाओगे इस वक्त मेरी हालत क्या है। मैं रात को घर नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह तक आता हूं। विजय मैं तुम्हें कॉल करने वाला था पर वो विजय मेरी बात सुनो, इसे ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया देकर ही निकालना पड़ेगा। बाहर चाकू का जो हिस्सा दिख रहा है वो सिर्फ 2 इंच का है। हैंडल के साइज को देखते हुए 5 से 6 इंच का हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर हो सकता है। ये देखो रिग्ड रैम्बो नाइफ, जैसा तुम कह रहे हो उसे इस तरह से खींच कर निकाला नहीं जा सकता। इससे कोई मसल टिश्यू या नर्व फंस गई तो कट सकती है। चाकू लगने से तो तुम बच गए, लेकिन इसे बाहर निकालने पर तुम मर सकते हो। इसे बाहर निकालने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है सर्जरी। इसके बदले तुम्हें 10,000 देने होंगे, लेकिन क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं इसलिए काम सिर्फ 5,000 में हो जाएगा। रघु मैं इस वक्त 5,000 देने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज मेरी हालत समझ। एनेस्थीसिया बहुत महंगा होगा इसलिए उसे भूल जाओ। तुम इसे ऐसे ही निकाल दो, मैं हिलूंगा नहीं। सीधा निकालोगे तो शायद कट लग जाए। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, पहले इसे 1/2 इंच अंदर ले जाओ और जो धार वाला हिस्सा है उसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालोगे तो ये बाहर आ जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो, 1,000 रुपए दूंगा, मेरी खातिर कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन पहले पैसे चाहिए। अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना। मुझे एक टॉवल दे दो प्लीज। सुनो, चाकू निकालते वक्त ज्यादा हिलना डुलना मत, क्योंकि आसपास में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारा चीखना सुनकर वो लोग यहां ना आ जाएं।
कैसा है मेरा बेटा? स्कूल जाने के लिए तैयार है? ए, पढ़ाई करने के लिए बोला था ना, पापा के साथ खेल रहा है, चल जा। रात भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, अब बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब करेगा। जब ये स्कूल से वापस आता है तो क्यों नहीं इसका होमवर्क पूरा करवा लेती हो तुम आराम से? वो तो तुम करती नहीं हो, और हर छोटी बात का पतंगड़ बनाने से घर का माहौल खराब होता है। विजय, तुम समझती क्यों नहीं हो? बकवास बंद करो, अपना भाषण अपने पास रखो, घर को सुधारने का ज्ञान मुझे मत दिया करो। कल जब ये स्कूल से वापस आया ना, इसे बहुत तेज बुखार था, तुम्हें कुछ मालूम भी है? बुखार कैसे हो गया? जब मैंने फोन किया था तब तो बताया नहीं तुमने। ये क्या, इसकी आंख के पास चोट लगी हुई और खून भी निकल रहा है, इसीलिए तो बुखार आया है। देखो जरा इसकी हालत तो देखो। ए, बताना अपने बाप को। बोल बेटा, ये चोट कैसे लगी? कुछ हुआ था क्या? मुझे टीचर ने मारा पापा। टीचर ने तुझे मारा? टीचर इसे इतनी बुरी तरह कैसे मार सकती है? तूने कोई शैतानी की थी, पता मुझे? हा? टीचर ने कहा चुप रहो, बात मत करो और किताब पढ़ो। उसके बाद टीचर क्लास से चली गई, तो बच्चे आपस में बात करने लगे। फिर टीचर आई, सबको कहने लगी तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, और पीटने लगी। बेचारे को इस तरह से मारा है जैसे पुलिस अपराधियों को मारा करती है। तुम क्या बात कर रहे थे बेटा? मैं तो चुपचाप ड्राइंग बना रहा था पापा। उसने ये देखा था, फिर क्या कहा उसने? बोली इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगी है, नाटक मत कर। उस चुड़ैल को तो मैं देख लूंगी। मैं सोच ही रही थी कि अगर तुम लेट आओगे तो मैं खुद इसे स्कूल छोड़ने जाऊंगी और उस चुड़ैल को मैं चप्पल से मारूंगी। बेवकूफ हो गया, सबके सामने उसे चप्पल से मारने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? समझा करो। आए बड़े समझदार, अब तुम खुद ही इसे स्कूल लेकर जाओ और उस टीचर को जैसे समझाना है समझाओ। जाओ। विजी, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, देखो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेरी बात सुनो, तुम जो करना चाहते हो वो करो। इस बेचारे के बारे में रात भर सोचती रही, सोचते सोचते सर में दर्द होने लगा। अपने कपड़े बदलो और टीचर से मिल के आओ। तुम्हारा टिफिन अच्छे से पैक कर दिया है, पूरा खाना फिनिश करके आना, ठीक है? चलो अब जल्दी से बैग लेकर आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। बैग लेकर आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। पापा, स्कूल के पास एक शॉप है, वहाँ ग्रीन कलर का केक मिलता है, वो आप मेरे लिए खरीदोगे? बेटा स्कूल में देर हो रही है। पापा, स्कूल शुरू होने से पहले ही खा जाऊंगा। जब दोपहर में मम्मी पिक करने को आएगी ना तो खरीद देगी। मम्मी कह रही थी उनके पास पैसे नहीं हैं, और जब पैसे होते हैं तो वो मुझे एक भी चॉकलेट खरीद के नहीं देती हैं। प्लीज पापा ले दो ना। ए, क्या प्लीज प्लीज कर रहे हो? अरे तुम्हारा तो सिर दुख रहा था, तुम चिल्ला के रहे हो, जाओ सो जाओ, जाओ जाकर सो जाओ। दरवाजा लॉक मत करना, मैं इसे स्कूल छोड़ कर आया। अबे मैं तुझे डायबिटीज का मरीज नजर आता हूँ, तूने मेरी चाय में चीनी कम क्यों डाली, हिम्मत कैसे हुई तेरी? दूसरी चाय देता हूँ भाई, आप इस तरह मेरे ग्लास क्यों तोड़ रहे हैं, मेरे सारे कस्टमर भाग जाएंगे। याद रखना मेरे से पंगा मत ले। क्या ये गुंडे हैं? ये दुकान मेरे इलाके में है, समझ गया? एक से बात कर। हाँ भाई गलती हो गई, अगली बार नहीं होगा। चाय देने से पहले बताना था ना कि चीनी कम है। जी भाई,
असली गुंडा इस तरह की छिछोरी हरकत नहीं करता बेटा, ये डरपोक गुंडे हैं। छोड़ मुझे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर इसी तरह चिल्लाएंगे, चाय के पैसे दिए बिना यहाँ से चले जाएंगे, और कुछ नहीं बेटा। दिखा रहा है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, समझा बेटा? ठीक है भाई, चलो भाई, चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसे लोगों की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए। अगर तुम गली के कुत्ते की आंखों में देखोगे तो वो घबरा जाएगा और हम पे भौंकने लगेगा। वैसे ही अगर तुम इन लोगों को घूरोगे तो ये लोग हमसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे और फिर हमें स्कूल में देर हो जाएगी। चलो जल्दी से खत्म करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। सर, प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। सर, हमें बच्चों को इस तरह से मारना या डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। मैंने अपनी बीवी को भी यही समझाया है, लेकिन यहाँ पर इसकी क्लास टीचर तो गुस्से में पागलों जैसी हरकत करती है, बच्चों को पीटती है। ये ठीक बात नहीं है सर, इससे बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि उस टीचर की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहती है। I'm extremely sorry, sir. मैं टीचर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सर, मेरा इरादा आपसे माफी मंगवाने का नहीं, बल्कि आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। अगर टीचर इसके साथ प्यार नहीं दिखा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर इतना गुस्सा जाहिर करना बच्चों के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे सर। मैं खुद इसे क्लास में ले जाऊंगा और टीचर से बात करूंगा। थैंक यू सर। ओके सर। सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं हुआ करती, इसीलिए रात के वक्त परिवार के सारे लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। और क्या कहा प्रिंसिपल ने? अब ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल से बात की? उस चुड़ैल से नहीं मिले? क्या कहा उसने? मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, फिर शुरू कर दिया तुमने। अरे मूड क्यों खराब है? तुम स्कूल गए थे ना, उस टीचर ने क्या कहा इतना ही तो पूछ रही हूँ, अकड़ क्यों रहे हो? प्रिंसिपल के पास जाके बात की थी, उसने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हें खुद ये बात बतानी चाहिए थी ना मुझसे, अकड़ कहीं का। बताओ तो इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हो, तुमने साड़ी खरीद ली? ऐसे क्या देख रहे हो, किस्तों पर खरीदी है साड़ी, पैसा दे देंगे धीरे धीरे करके, सारा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे देने होंगे, लेकिन देने तो मुझे ही होंगे। हाँ, तो तुम्हें ही तो देने पड़ेंगे, पड़ोसी थोड़ी देने आएगा इसके पैसे। ए विजी, फालतू की बातें मत कर मेरे साथ। तुमने पहले से ही अलमारी में इतनी सारी साड़ियाँ भर रखी है। हाँ, भरी पड़ी है ना, उसमें से एक भी साड़ी ऐसी नहीं है जिसे पहनकर बाहर जा सकूं। कितनी साड़ियाँ तो फटी पुरानी हो चुकी हैं, पहनने के लायक ही नहीं। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती है विजय, तुम हर साड़ी को खरीदने से पहले ही उसकी मीनमेख निकालती हो, उस पर टाइम खर्च करती हो, अच्छी तरह से देखने समझने के बाद ही उसे खरीदती हो, तो फिर कुछ समय बाद वही साड़ियाँ तुम्हें खराब क्यों लगने लगती हैं? सारी साड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, किसी त्योहार पर पहनना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। ये दिवाली के लिए खरीदी है। क्यों, अलमारी में रखी साड़ियों से दिवाली नहीं मन सकती क्या? बात कर रही है, दिवाली के लिए ली है, यहाँ दिवाला निकला हुआ है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि बाप के मरने के बाद मैं भी अपनी माँ के साथ मर गई होती तो कितना अच्छा होता, तुम्हारे साथ इस तरह गरीबी में तो नहीं जीना पड़ता। और मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी बातों से मेरी जान लेने वाली हो। मैं तुम्हारी जान ले रही हूँ या तुम मेरी जान ले रहे हो? इतनी जोर से भी नहीं मारा है, ज्यादा नाटक मत करो। ए, क्या हुआ? मैंने तो धीरे से ही मारा था, दर्द हो रहा है क्या?
कुछ नहीं, हाथ हटा तुम। खून क्यों निकल रहा है? फिक्र मत करो विजी। इतना सारा खून निकल रहा है, तुम कह रहे हो फिक्र मत करो? ये क्या हो गया, इतना बड़ा जख्म कैसे हुआ? हे भगवान, किसी ने चाकू मारा ना, क्या करूं मैं? ये सब क्या हो रहा है भगवान, क्या करूं? विजी रहो मत, विजी उठ जा, विजी उठ जा, वरना लोगों को लगेगा कि मैंने तुझे मारा है। विजी रोना बंद कर दे। अगर तुम मर गए तो बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? जिस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया तब मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मर गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, अपने बच्चे को मार कर मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। तुम्हारे बाद हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? ए विजी, मैं अभी मरा नहीं हूँ, समझी ये बकवास क्यों कर रही है? पागल, उसे मारकर खुद मर जाएगी, क्यों तू ये उल्टी सीधी बातें करके मुझे परेशान कर रही है? सुन विजी, विजी, विजी रोना बंद कर। क्यों मेरी माँ की याद दिलाती है जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था? अब रोना बंद कर दे, चुप हो जा विजी, मेरी बात सुन, चुप हो जा। कहो बहन, कैसी हो? ठीक हूँ। दूध के बकाया पैसे देने आई हूँ। वैसे मुनिराज कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गया हुआ है। बच्चे आ गए। अब हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। कहा था मैंने तुमसे, और तुम कर क्या रहे हो? देखो, सिर्फ उन्हीं आसनों की प्रैक्टिस करनी है जो तुमसे कहा गया है। अगर सीनियर्स की कॉपी करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। चलो आओ, सब लोग मेरे साथ आओ। तुम लोगों को इस आसन का नाम पता है ना? तुम जानते हो वो इस आसन की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? इस आसन को कहते हैं पाढ़ा अंगुष्ठ आसन। जो लोग शादी ना करके पूरी जिंदगी अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखना चाहते हैं वो इस आसन को करते हैं, समझे? डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट तुमने मुझे दी थी, हाँ, वो सारे डाउनलोड हो चुके हैं। तुम पेन ड्राइव दो, मैं देता हूं। एक्सक्यूज मी,
क्या दुकान में कोई नहीं है? अब वो है अंदर। ये अरे ये पटाखा कौन है भाई? ए, क्या बकवास कर रहा है? उससे मेरे रिश्ते की बात चल रही है। हमारी फैमिली फ्रेंड है। मतलब कि तुम्हारी रिश्तेदार? फैमिली फ्रेंड का मतलब वो हमारी जात बिरादरी की है। मैंने इसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था। इतने सालों बाद आज ही देख रहा हूँ। ए चल जल्दी से गाड़ी निकाल, उससे जान पहचान बढ़ाते हैं। ठीक है मैम। हे भगवान, मेरे मर्द पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमें पालने वाला यही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? जब देखो तुम मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। आराम से बैठ। क्या कर रही है? बस के भाड़े के लिए हैं। पागल हो गए हो क्या? बस से क्यों जाएंगे? शेयर ऑटो से जाएंगे या किसी ट्रक के पीछे लटक कर। ठीक है तो अब चलें। रुको ना, जल्दी क्या है, 10 मिनट तो रुक जाओ। सुनो बेटा, ये एक एक करके भगवान पे चढ़ाना और 3 बार घंटी बजाना, ठीक है? जाओ पूजा करो, मैं आती हूँ। तुमने उसे क्यों भेज दिया यहाँ से? अब क्या मेरा दिमाग खाने वाली हो? मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। सॉरी, हाँ गलती से वहाँ हाथ लगे, दर्द हो रहा है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुमने मुझे इस तरह से रोका कि मेरा दर्द ही चला गया। अब क्या मैं जा रहा हूं। कर रहे हो? कितनी बार पूछा ना, बताओ ना किसने चाकू मारा? तुम जान कर क्या करोगी? किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और मैं पूछूंगी भी नहीं। मुझे जानना है, बताओ कौन। तुम नारापकम के पंचायत लीडर रामचंद्रन को जानती हो? हाँ जानती हूँ ना। तुमसे अपना सारा काम करवाने के बाद तुम्हारे पैसे देने से मना कर दिया था, बाद में धीरे धीरे करके दिया और वो भी पूरे नहीं दिए। उस कमीने की बात कर रहे हो? ए, ऐसे गाली देकर बात मत करो, जरूरत के वक्त उसी के पैसे काम आए थे। उस आदमी ने कभी भी पूरे पैसे नहीं दिए। काम करवाने के बाद टुकड़ों में पैसे देता और वो भी पूरे नहीं देता। सब लोग ऐसे ही करते हैं। उसने मेरा पैसा इसलिए रखा ताकि अगली बार वो बुलाए तो मैं चला जाऊँ। साफ साफ बोलो ना। ये अभी की बात नहीं है, ये राजनीति में आने के पहले की बात है। वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। उसके और सूर्य नारायण के बीच बहुत तगड़ी दुश्मनी थी। श्री पेरम्बदूर में नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी। उन फैक्ट्रियों को जमीन अलॉट करने के लिए दोनों में होड़ लगी रहती थी। उस समय सूर्य नारायण की कोई बड़ी डीलिंग होने वाली थी उसकी प्रॉपर्टीज की, जिसमें रामचंद्रन को करोड़ों की कमीशन मिलती। लेकिन रामचंद्रन ने तीनों डील अपनी तरफ खींच ली। सूर्य नारायण पागल हो गया और उसने रामचंद्रन के भाई को मारने की सुपारी दे दी। पर सुपारी लेने वाले ने गलती कर दी और रामचंद्रन के भाई की जगह उसके ड्राइवर को मार दिया। ड्राइवर रामचंद्रन की पत्नी का रिश्तेदार था। फिर रामचंद्रन और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सूर्य नारायण से बदला लेने की कसम खाई, जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मैंने एक प्लान बनाया जिसमें कोई कमी नहीं थी। 3 लड़कों ने सूर्य नारायण को खत्म कर दिया। सूर्य नारायण के 2 भाई हैं, गुरु नारायण और आदि नारायण। उनमें से आदि नारायण ने मुझे मारने की कोशिश की। पर तुम तो किसी और के लिए काम कर रहे थे ना, फिर वो लोग तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो सीधे मेरे पास नहीं आए। दरअसल सूर्य नारायण की लाश पर उन दोनों भाइयों ने कसम ली थी कि जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार है वो उससे बदला लेंगे, और उनकी कसम लेने की खबर हर जगह फैल गई। उसके बाद से रामचंद्रन जब भी बाहर जाता तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाता और सबके पास हथियार होते थे। अपनी जान के ऊपर खतरा देखकर उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का फैसला किया और उस पार्टी में शामिल हुआ जिस पार्टी की यहाँ सरकार है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और वो बेशरम हो, उसके लिए पॉलिटिक्स से बेहतर कोई जगह नहीं। राजनीति में आने के बाद रामचंद्रन खुद तो महफूज हो गया,
लेकिन उसे ही डराए रखने के लिए नारायण ब्रदर्स ने पानी की तरह पैसा बहाकर बाकी लोगों को मरवा दिया, उन सबको जो उनके भाई के कत्ल में शामिल थे। तुम्हारा मतलब कि वो तीनों? तुमने तो कहा था कि तुमने डायरेक्टली कोई प्लानिंग नहीं की थी, फिर इन तीनों को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? किसने बताया होगा उन्हें? कहीं खुद को बचाने के लिए रामचंद्रन ने तुम्हारा नाम तो उन लोगों को नहीं बताया? विजी, मैं ही रामचंद्रन के सारे काले धंधों की डीलिंग करवाता था। मेरा नाम सामने ना आए इसके लिए वो मुझसे ज्यादा सावधान है। फिर उन लोगों को पता कैसे चला? नारायण को मारने वाले तीन लोगों में से एक को उन्होंने सरेआम सड़क पर मारा था। जैसे ही बाकी दो लोगों ने ये देखा, उनमें से एक बहुत ज्यादा डर गया और उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। इससे पहले कि उसे कोर्ट ले जाया जाता, उसने लॉकअप में खुद को लटकाकर खुदकुशी कर ली और उसकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में डाल दिया गया। और तीसरा वाला जो 6 महीने पहले ही भागा था, 4 दिन पहले जंगल में उसकी लाश मिली जिसमें उसका सर पूरी तरह से जला हुआ था। नारायण ब्रदर्स के टॉर्चर को ना झेल पाने की वजह से मरने से पहले उसने मेरा नाम उगल दिया। बेचारा। मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है, इसीलिए मैं अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। ऐसा भी क्या काम करना जो अपनी पत्नी को न बता सकूं? ए, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं धीरे धीरे इस काम से दूर हो जाऊंगा, बार बार इसके बारे में क्यों बात करती हो? जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा दो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहां हो, फिर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। फिर चाहे हमें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, कम से कम सुकून से तो रह पाएंगे। आसपास के लोगों से घुल मिल कर रहेंगे, हर त्योहार खुशी से मनाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम तो सकेंगे बिना डर के, बिना किसी की परवाह के। चलो नई जिंदगी शुरू करें। चलो ना यहाँ से चले जाते हैं। उसके लिए पैसे चाहिए होंगे विजय। तुम्हारी सारी चीजें इसमें हैं और ये पापा की चीजें, माँ से कहो संभाल के रख दें। ओ, शराब की बोतल है ना? हाँ, जेम्स बॉन्ड, देखना ये बोतल टूट ना जाए, अच्छे से रख दो। अरे रामू, कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ मालिक। प्लॉट देखने जाना है। हाँ, उसके बाद कोयम टूट जाएंगे। ठीक है मालिक। अरे चिन्ना भाई, घर जा रहे हो ठेके पर? ठेके पर जा रहा हूँ। ठीक है रुको, मैं जरा अपना फोन लेकर के आता हूँ। जरा जल्दी करना, देर हो रही है। कितना लेट करता है, जल्दी बैठ। चल आ जा। चलो बैठ। इसका रिपोर्ट कार्ड देखिए। ये सब क्या है बेटा, हर सब्जेक्ट में फेल। अगर यही हालत रही तो किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो डिग्री भी अच्छी हासिल करनी ही पड़ेगी ना। सुनिए। हाँ। आपने इसके ट्यूशन के लिए कहीं बात की? हाँ, बात कर ली। ठीक है, सुनो, कल से ट्यूशन पर जाना है। आपको ही ड्रॉप करना होगा। ठीक है बेटा। एक बात बताना भूल गई। हाँ। आपकी बेटी आ गई है, आपका इंतजार कर रही। अच्छा, है। आ गई हो? हॉस्टल से कब आई बेटा तुम? माँ ने नहीं बताया? हाँ उसने बताया, आते ही दीवार पर पेंटिंग भी कर दी। अगर तुम्हारा काम खत्म होने के बाद इसे हटाया जाएगा तो बहुत खराब लगेगा, है ना? जब वापस हॉस्टल चली जाऊंगी तो इस कमरे को फिर से पेंट करवा दीजिएगा। हाँ ये ठीक रहेगा।
तुम्हारा जहां दिल करे वहां चिपका दो। हॉस्टल में रहने से तुम्हारी बेटी का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। जब तक मैं कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी न कर दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बोतल ले आओ। जिससे भी इसकी शादी होगी ना वो अपने सारे बाल नोच लेगा। उन्हें कुछ नहीं मां, भूख लगी है, खाना लगा दो। छे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। इतनी बदबू के बीच में तुम खाना कैसे खा सकते हो? सच कहा तुमने, यहाँ बहुत बदबू है। जिस जुवेनाइल होम में मैं था वो शमशान के बगल में ही था। जब हम खाना खाते थे तो अक्सर वहां पर लाशों के जलने की बदबू आती थी। वो बदबू हमारे शरीर का हिस्सा बन गई। हमारे बीच में मुकाबला होता कि जो भी बिना उल्टी किए पूरा खाना खा जाएगा वो चैंपियन होगा। और मैं वहां का चैंपियन था। भूखी अतड़ियों ने सब सिखा दिया। तुम कौन से जेल में थे? किसकी बॉडी जल रही है? इसे जलते हुए काफी टाइम हो गया। कोई प्यार व्यार का चक्कर था, किसी ने इसका काम तमाम कर दिया। चित्रगुप्त के खाते में अभी और जिंदगी बची है, हमारे अकाउंट चालू है। ये चित्रगुप्त का काम नहीं है, उनका काम है डेथ पेनल्टी को इश्यू होने से रोकना। जन्म से लेकर मौत तक आपके किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही यह तय होता है कि आपकी आने वाली नस्लों को क्या हासिल होगा। कहने का मतलब है आपकी अच्छाई और बुराई का बोझ आपके वारिसों के कंधों पर जरूर आता है। एक बात बता, उसने तुझे किस तरफ से चाकू मारा था? मैंने उसकी गर्दन का निशाना लेकर उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन जैसे ही मैंने चाकू चलाया वो थोड़ा एक तरफ हो गया, वरना अब तक। चुप कर, तुझे पता नहीं गर्दन कहां होती है और कंधा कहां होता है? फालतू बकवास करता है। रामचंद्रन के सारे काम महा करवाता है और ये तुम जानते हो। तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी उसके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। एक काम करो, अगर तुम उसे ढूंढ कर उसका एनकाउंटर कर देते हो तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। वो क्या है कि गुरु नारायण मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहते थे और अर्जेंटली एनकाउंटर करवाना चाहते थे। मैं एक लेवल तक ही काम करता हूँ और वो लेवल से कभी नीचे नहीं आता। और अगर तुम अपने मुताबिक काम चाहते हो तो दूसरों के मुताबिक चलो। मेरा इशारा समझ रहे हो? नहीं समझे? हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ो। अरे उसी हिसाब से हम डील करेंगे और उसी हिसाब से हमें ऑर्डर मिलेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। उनमें से एक की पीठ पर तुमने चाकू मारा और अब वो बहुत गुस्से में है, तो कुछ दिनों के लिए चूहे के बिल में घुस जाओ, तभी अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि वो भी अभी बिल्ली की तरह झपट्टा मारने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कौन किसको मारता है। वैसे तुम कहा करते थे कि अगर कोई तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचे उससे पहले ही तुम उन पर हमला करो। अब उन्होंने तुम्हारी पीठ पर चाकू मार दिया तो हमें भी प्लान बनाकर उन्हें एक साथ खत्म कर देना चाहिए। मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी जासूसी के लिए किसी और को उनके पीछे लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारा खर्च पड़ेगा। जबकि मैं अभी इस हालत में बिल्कुल नहीं हूं। तो जब तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आ जाते हमें छुप कर रहना होगा। सही टाइम आने पर ही कुछ करेंगे। बोलो गोपाल। जब आपका फोन आया तो मैं खाना खा रहा था। आपने कहा कि आज ही मिलना है तो मैं अपने दोस्त की बाइक पर ही आ गया।
वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। हमारा प्यारा सा छोटा सा मासूम सा महादेव अब कितना बड़ा हो गया है। हमसे भी बड़ा। लेकिन आप ही नहीं तो। बिल्कुल सही, बहुत ही कर्मठ इंसान। नहीं नहीं, पहले तुम खाओ, शुरू करो, उसके बाद मैं तेरे को बताएगा क्या है। ठीक है भाई, मैं खाता हूँ। विरोधी पार्टी का वो जो तिरुमूर्ति है ना, तुम उसे जानते हो ना, वो कमीना। उसने अपने लाउडस्पीकर का मुंह हमारे घर की तरफ मोड़ दिया और लगा बकबक करने। इतनी गंदी गंदी बातें कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे भाई। देखो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पत्नी के सामने ये सब कुछ, ये बकवास की बातें क्या क्या कह डाला उसने भाई, मुझे तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत नाराज हूँ उससे। हाँ, भाषण देना है तो अपने घर के सामने भाषण दो। मेरे घर के तरफ लाउड स्पीकर का म्यूक क्यों मोड़ दिया भाई? देख, मैं तेरे को एक बात बोलता है, मेरी बीवी रात भर सो नहीं पाई उसका भाषण सुन के, तो और नहीं। मैं तो किसी तरह अपना दारू पी के सो जाता हूँ, पर मेरी बीवी कतई सो नहीं पाई। बस तुमसे एक मदद चाहिए महादेव। तू पहले भी मेरी मदद कर चुका है, इस बार भी कर दे मेरे भाई। क्या करना है मुझे? बात किसी को मालूम न पड़े और किसी को भी भनकता न लगे। हाँ, मैं तू उसे किसी तरह उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर इधर ले आ पास, फिर मैं देख लूंगा। जब तक मेरी पत्नी का दिमाग सही नहीं हो जाता, हम उसको इधर ही रखेंगे। उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, हम उसको छोड़ देंगे और क्या। हाँ, समझ गया ना? पैसे के बारे में इससे बात कर ले गोपाल से। ए, सुन, करेगा ना महादेव? हो जाएगा भाई, ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए महादेव। हाँ ठीक है भाई। उसके बाद भी मुझे मेरी बीवी अपने घर में कदम रखने देगी महादेव? ए, चल दे दे इसको पैसे जो मांगता है। हाँ, आज थोड़ी ज्यादा हो गई। असली थी। क्या कह रहे हो भाई, अपहरण करने के लिए इतने पैसे मांग रहे हो? अरे उसे मारना थोड़ी है। उसे मारने के लिए सिर्फ दो बाइक और चार लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिना किसी को पता चले उसका अपहरण करने के लिए पहले उसके घर के आसपास दो जासूस घुमाने पड़ेंगे, फिर अपहरण करने के लिए कम से कम चार लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद गाड़ी किराया और बाकी का खर्चा मिला के बहुत ज्यादा हो जाएगा गोपाल। इससे तो मैं अपने लोगों का एडवांस भी नहीं चुका पाऊंगा, और पैसे चाहिए। देखो मैं दो लोगों को जानता हूं जो काफी लंबे समय से मुझसे काम मांग रहे हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं। इस काम के लिए तुम्हें जो एक गाड़ी की जरूरत है तो किसी कस्टमर की दिलवा दूंगा, इससे तुम्हारी गाड़ी का किराया बच जाएगा जो तुम रख लेना। काफी मेहनती हैं वो लड़के, सोच समझ लो उसके बाद बताओ। हाँ, पर नए लोगों से ये काम नहीं हो पाएगा गोपाल। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। मुझे भाई से एक बार बात करनी पड़ेगी। वो खाना खाते खाते मुझे ये बोले, फिर अचानक चले गए। क्या? मेरा 2,00,000 रुपया अभी तक बकाया है, अगर वो पैसे मुझे दे देते तो मुझे काफी राहत हो जाती। इससे पहले मैंने जो कुछ किया है उसकी वजह से कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन लोग? सूर्य नारायण के कत्ल के बाद उसके दोनों भाई मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि अपने भाई डर जाएं। भाई की राजनीतिक पहुंच के चलते वो इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए मेरा बकाया पैसा मुझे वापस चाहिए, और इस बार मुझे पूरा पेमेंट चाहिए ताकि कोई चूक ना हो। इस बार तो मैंने मौत को धोखा दे दिया है, लेकिन हर बार नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मेरी खातिर तुम भाई से इस बारे में बात करो गोपाल। तुम अगर उन लोगों को मार दोगे तो अपने भाई बहुत खुश होंगे, लेकिन त्रिमूर्ति वाला इशू, नारायण वाले मामले में तुम प्लीज भाई से बात करना और जल्दी से उनसे कुछ पैसे मांगना। भूलना मत गोपाल, मैं कभी भी उन लोगों का शिकार बन सकता हूँ। मैं बात करूंगा ना, भले ही पैसे अभी ना हो लेकिन वो अरेंज करेंगे।
और तुम्हें मिल जाएगा, पर तब तक बच के रहना। हाँ बोलो मुनि। ठीक है, उस गली में कोई दुकान तो नहीं है ना? सिर्फ लोगों के घर है। ठीक है, क्या नए लोगों या गाड़ियों को देखने के बाद गली के कुत्ते भौंकते हैं? और ये भी देखना कि वहां पे रहने वाले लोग कैसे हैं, यानी कि आदमी, औरत, बच्चे, कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ वहां पे कहीं? सीसीटीवी कैमरा। हाँ ठीक है, रात को फोन करना। ट्यूशन में सेलफोन क्यों ले जाते हो? तुम जान के क्या करोगी? ये एटीट्यूड पापा को दिखाना, एक थप्पड़ पड़ेगा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ठीक है चलो मेरे साथ। अब कहाँ चलू तेरे साथ, ट्यूशन वाली जगह तो आ गई, चल जा उतर। तुमने ही तो कहा था ना मुझे ट्यूशन क्लास तक छोड़ोगी। तू अकेला पूरा चिकन खा जाता है, अकेले ट्यूशन तक नहीं जा सकता। हाँ आया बड़ा, चल जल्दी उतर, देर हो रही है। सर अगर हम टीचर्स के ऊपर दया दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स भी बेचारे ही तैयार होंगे, बिल्कुल उन बकरियों की तरह जो बाहर से तो भारी दिखती हैं लेकिन अंदर से कमजोर होती हैं। ठीक है सर, अब मैं क्लास में जाता हूँ। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर, ये जोशी जी का बेटा है ना? तुम्हारे पिता ने फोन किया था, इसे अंदर बिठा दो। 10 मिनट के बाद तुम लोगों का टेस्ट लिया जाएगा और तुम लोग बैठ के मोबाइल देख रहे हो। दम है तो एक एक करके लड़ो, फिर पता चलेगा कौन मजबूत है। क्या ये सब, इस उम्र में तुम जात के नाम पर लड़ाई करना सीख रहे हो? उन लोगों ने गाली देते हुए हमारा वीडियो बनाया और बदले में हमने उन्हें जवाब दिया। वीडियो बनाया, क्या नाम है उसका? पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है। जात पात को लेकर बेवजह लड़ाई करना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, यही काम रह गया है? बैठ जाओ। तुम लोग जानना चाहते हो ये बेवकूफी क्या है, तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। पढ़ने लिखने वाला बच्चा कभी जात पात जैसी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता है और टेस्ट में सवालों के जवाब लिखकर अच्छे नंबर लाता है, और बेवकूफ लोग कितना भी कोशिश कर लें हर हाल में फेल ही होते हैं। टेस्ट में सिर्फ अपना नाम लिखते हैं और बाहर निकल जाते हैं, उनमें कोई जज्बा नहीं होता, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्हें लगता है दूसरों की कॉपी से थोड़ी बहुत नकल करके वो पास हो जाएंगे। कायर आदमी इस मामले में ईमानदार होता है और मानता है कि वो बेवकूफ है, जबकि एक दिखावटी आदमी इस चीज को मानने से भी मना कर देता है। सच्चाई को मानते ही एक कायर आदमी को मौका मिल जाता है अपनी कमी को दूर करने का, जबकि पाखंडी ईमानदारी का नाटक करता है और चालाकी दिखाने के चक्कर में उसे हर जगह मात मिलती है और वो बस भटकता रहता है। इसलिए अपने आप से ईमानदार होना जरूरी है। इन तीन किस्म के लोगों में तुम किस श्रेणी में हो ये तुम्हें खुद जज करना पड़ेगा, और इस तरह के लोग हर जाति में पाए जाते हैं, समझ गए? ठीक है बेटा, तुम अभी जाओ, मैं देखता हूं। टेस्ट ऐसे दो जैसे फर्स्ट आना है। सुनो मुनिराज, हाँ? ये एक नया स्टूडेंट है, इसे साथ बिठा लो। ठीक है। इसे आज टेस्ट में बैठना है या नहीं इस बारे में तुम फैसला कर लो, ठीक है? हाँ। जाओ बेटा, जाओ बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी, क्या ट्यूशन क्लास में सेलफोन अलाउड है? तो मैं उसे वापस ले लूं? हाँ। उसे देख रहे हो ना? हाँ मैं उसे ही तो देख रहा हूँ। अरे बात तो सुनो बेटा। ये लीजिए आपकी कॉफी। बताइए आज लंच में क्या बनाओ? चिकन बना लो। साथ में मसूर की दाल? हाँ बना लो बना लो। हाँ
अरे देखो जीडी आ रहा है। हाँ जीडी। नमस्कार दोस्त, कैसे हो? आप कैसे हैं भाई साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ। भाभी जी कैसी हैं? वो भी बहुत अच्छी है, ये लीजिए। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अरे भाई क्या पियोगे, चाय या कॉफी? जरा इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी अच्छा। भाभी की हाथ की बहुत कॉफी पी ली, आप बेटी की हाथ की पिलाओ भाई। यहीं पर तो थी, वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर जरा बिजी है, देखो वहाँ बैठी है। रामू कहाँ है? रामू? अंकल मैं जाकर उसे बुलाता हूँ। हाँ बेटा जाओ बुला लो। हाँ और सुनाओ, आंसर मिला तुझे? ओके मिल गया, इस पेज पे मार्क कर दो। वो कौन है? अच्छा तो ये है, इसके पापा और मेरे पापा दोस्त हैं। इसका पूरा खानदान पॉलिटिक्स में है, पब्लिक का पैसा लूट लूट कर इन्होंने अपनी ढेर सारी जायदाद बना ली है। मजदूर लोगों का खून चूसते हैं और फिर दिखावा करते हैं, बेवजह अपने पैसे की धौंस जमाते हैं। ये और इसका बाप दोनों एक जैसे ही हैं। शुरू हो गया यहाँ भी इसका नाटक, इधर ही आ रहा है। हाय, तुमने पहचाना मुझे? तुम्हारा नाम घनश्याम है ना? हाँ, गोवर्धन जी का बेटा। तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? जर्नलिज्म का फाइनल ईयर है। वाओ। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? चेन्नई में अंडर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजीए एमबीए के लिए डैड ने मुझे यूएस भेज दिया। न्यूयॉर्क, क्या कमाल की जगह है। क्या तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हुई? डैड चाहते थे मैं सर्टिफिकेट ले लूं, तो वो मैंने ले लिया। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मैं तुमसे हमारे रिश्ते की बात फिक्स करने के लिए आ गया। क्या फिक्स करना है? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है? वैसे ही जैसे तुमने अपने फेक सर्टिफिकेट बनवाए हैं और अपने पापा के नाम का अपने हाथ पर टैटू बनवाकर उन्हें खुश कर दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। देखो फिलहाल तो मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है, और जिस दिन मेरा मूड बनेगा तब भी मैं तुम जैसे फेक इंसान से शादी नहीं करना चाहूंगी। तो ये बात जरा प्यार से अपने डैड को समझा दो और यहाँ से प्लीज चले जाओ। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करने दो। कांचीपुरम की लैंडिल हो गई? हाँ हो गई। अच्छी बात है। इसे क्या हुआ? ये घनश्याम ऐसे क्यों? वही तो मैं सोच रहा हूँ बेटा। वो तुमसे बात करने गया था और बिना कुछ बोले वो यहाँ से जा रहा है, उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? मुझे लगता है वो शर्मा कर चला गया अंकल। आप घर जाकर उससे पूछ लीजिएगा, पापा आपको घर पर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा अंकल मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? ठीक है। देखिए पैसा इसके मार्क्स के हिसाब से लिया जाएगा, बाकी डील के बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए वहीं से हैं जहां से मैं एमएलए बनने वाला हूं, और मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं अपने लोगों की सेवा करूं। आपकी चाह बहुत बड़ी है, लेकिन आपकी बेटी के मार्क्स बहुत कम है। गरीब लोगों की तकदीर में तो हमेशा से रोना पीटना ही लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है ना, उन लोगों की तकदीर बदलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना। सर कुरियर है? कुरियर? सर सेफ्टी कुरियर की तरफ से है, आपके लिए एक पार्सल है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए गिफ्ट भेजते रहते हैं। अगर मैं उन्हें मना कर दूं ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो अब आपकी बेटी व्हाइट कोट पहन के मेडिकल कॉलेज जाएगी और आप उसे हंसी खुशी टाटा कीजिएगा। अब आप जाइए, कल इसी समय वापस आइएगा, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है? ले जाओ बेटा, आगे चलकर अच्छी डॉक्टर बनना है। हाँ भाई क्या पार्सल है? मुझे नहीं मालूम सर, बहुत बड़ा पार्सल है तो उसे हमें टेम्पो में लाना पड़ा। बड़ा पार्सल है? आखिर उसमें क्या हो सकता है? चल चल पीछे ले, आने दे पीछे। क्या है इसके अंदर? अरे बहुत अंधेरा है, जरा लाइट तो जलाओ भाई।
बोल भाई त्रिमूर्ति, हमारे सामने आने में शर्म आ रही थी कायर कहीं का? अपोजिशन ज्वाइन करने के बाद मेरे घर के सामने ही तूने भाषण देना शुरू कर दिया। रटे हुए तोते की तरह जबान चलाने लग गया, फैमिली को गाली देने लग गया। अब आ गया ना अपनी औकात पर तोते। दे छोड़ो मेरे हाथ में। ये लो बहन। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। घटिया आदमी, हमें भ्रष्ट न जाने क्या क्या कहता रहता है। माइक पकड़ के इसको करता रहता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई माइक पर हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की? मैं तुझे बेवकूफ नजर आती हूँ? नाली का कीड़ा है तू। तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मैं मोटी हूँ तो? तू तो जला हुआ भालू लगता है। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहता है तो आज की बात अपना मुँह खोलने के लायक नहीं रहेगा। जीजा जी, आपका फोन आ रहा है। जी मंत्री जी। मुझे मंत्री जी से मिलने जाना होगा। अब तू कल आना, जा, पैसे कल दे देंगे। विश्वास नहीं है? हाँ है भाई। प्रणाम साहब। कैसे हो? बैठ जाओ। अरे मैंने कहा ना बैठ जाओ। और अपना पैक बनाओ। क्या हुआ? बाबा बाबा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर के पास में कोई स्टेज बनाता है, तिरुमूर्ति तुम्हारे सामने ही तुम्हें उल्टी सीधी बातें कहता है, हाँ? जब एमएलए के लिए तुम्हारा नाम दिया जाने वाला था तो उसने ओछी हरकत की। लोगों को लेकर मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। उन्हें उबला अंडा मिल जाए और साथ में ब्रेड मिल जाए, इसी बात से खुश हो जाते हैं। तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देगी जनता, लेकिन पार्टी के अंदर तुम्हारी बदनामी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ गए? पानी के अंदर भी अपनी गैस को दबाकर छोड़ने वाला ही अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमारे लिए बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी किताबों का कोई मतलब नहीं है, समझे? लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद जो कमीशन मिलता है उसका हिसाब किताब बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अपना नाम खराब मत करना। अगर रेपुटेशन चली गई तो पार्टी के अंदर तुम्हें रेकमेंड करना मुश्किल हो जाएगा, ये बात याद रखना। अरे तुम तो कुछ पी नहीं रहे हो, पियो। नहीं, नहीं। तुम्हें एमएलए की सीट मिलने वाली है उस वक्त। अगर तुम उल्टा सीधा कुछ भी कहोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। इतनी छूट क्यों दी उसे? मैंने उसे छोड़ा नहीं है, अपने गेस्ट हाउस में बंधक बना के रखा है। बंधक बना रखा है? हाँ। ये क्या कह रहे हो? हाँ मंत्री जी, मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया था। क्या है, अपना गुस्सा वो उसे पीट कर निकालना चाहती थी। उसने अपना भाषण देते वक्त हम लोगों को बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही थी मंत्री जी। उस घटिया आदमी ने बहुत बुरी बुरी बातें कही है, और यहाँ तक कि किसी ने मुझसे कहा कि उसने सोशल मीडिया के ऊपर मुझे भी गालियां दी है। कमाल है। सही बात है। उसे छोड़ना मत, समझ गए? उसे खत्म कर दो। क्या है, उसे मार कर हम लोगों के हाथ खुद ही गंदे हो जाएंगे। लेकिन वो घटिया आदमी है। जी मंत्री जी। जानते हो उसकी पार्टी उसे इलेक्शन में टिकट दे रही है, और वो भी तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुमने बताया उसे उठाते समय किसी ने देखा? नहीं मंत्री जी। तो उसे खत्म करने के लिए तुम इतना सोच क्यों रहे हो? उसे खत्म कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। सोचो मत। हाँ जीजा जी। सुन गोपाल, देख मेरी बात ध्यान से सुन। उसको फौरन खत्म करके उसे कहीं ले जाकर फेंक दे। अच्छा, हमारे मंत्री जी का ऑर्डर है। लेकिन वहाँ यहाँ से जा चुका है, मैं ये काम अपने आदमियों से करवाता हूँ। हाँ। पर पेमेंट का आधा हिस्सा आप मुझे दे देना। ठीक है ना जीजा जी? हाँ। तू बड़बड़ बहुत करता है, ऐसे मुंह का ना रहना ही अच्छा है। मैं तेरा मुंह काट कर कान से मिला दूंगा, उसके बाद फिर तू कभी भी कुछ भी बोलने लायक नहीं रहेगा।
आपकी लिस्ट की एक भी किताब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैम आप ये किताब किसी बुक स्टॉल पर ट्राई कीजिए, वहाँ मिल जाएगी। देखिए मुझे इन किताबों की जरूरत बस नोट्स बनाने के लिए है, मैं पढ़कर वापस कर दूंगी। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक आदमी है मुनिराज, उसके घर पर उसकी अपनी खुद की प्राइवेट लाइब्रेरी है, आप चाहे तो वहाँ कोशिश कर सकती हैं। हाँ क्यों नहीं, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? हेलो कोई है? मेरा नाम दीपा है, मैं जर्नलिज्म में एमए कर रही हूँ और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए मैं एक न्यूज़पेपर डिजाइन कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपकी पिक्चर्स ली थी। आपको जोशी फार्म तो मालूम होगा ना? हाँ। आप शायद उसी रास्ते से घर आते होंगे, शायद आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। मैं 6th क्लास से ही हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक लड़के को लेकर आपकी क्लास में आई थी। हाँ। दरअसल वो मेरा छोटा भाई है। मेरे डैड जोशी जी को आप नहीं जानते? खैर छोड़िए, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मुनिराज है, मैंने जूलॉजी में बीएससी किया है। मुझे किसी के अंडर नौकरी करना पसंद नहीं है, यहाँ बस मैं और मेरी माँ रहते हैं और मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ। अपनी जमीन के 70% हिस्से पर हम खेती करते हैं जिससे दो वक्त की रोटी निकल जाती है। शाम के वक्त मैं मनी सर के ट्यूशन सेंटर पर क्लास लेता हूँ और वीकेंड में ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर दूर दूर तक बच्चों का कोई स्कूल नहीं है। वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें फिल्में दिखाता हूँ। मैं विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ और उन्हीं की तरह ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया है। अच्छा, चाय ले आई हूँ बेटा। क्या मैं भी चाय पी सकती हूँ? मुनि नया वाला ग्लास ले आ बेटा। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसमें दे दीजिए। इसमें डाल दीजिए। हाँ क्या तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो? जी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उतना प्रोडक्शन तो नहीं होता होगा ना? कीड़े और चिड़िया फसलों को बर्बाद ना करें, इसके लिए लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अंदर भी जाता है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में फसल का 30% हिस्सा चिड़िया खरगोश चूहों वगैरह का होता है और 70% हमारा। इस तरीके से हम अपना खाना बांटते हैं। ओ, एक बात पूछनी थी, क्या आपके पास चारूलाल की लिखी हुई कोई किताब है? अंकल मैं बॉल ले लूं? हाँ है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। यार रिजेक्शन तो ठीक है लेकिन उस लड़के के लिए बहुत अजीब है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? मैंने उसके घर के पास स्कूटी देखी तो मैंने एक छोटे बच्चे को पटाया और उसको बोला कि बॉल उस तरफ फेंक, उसने फेंका, फिर मैंने उसे वहां पर भेजा तो वहां पर वो चाय पी रही थी उसके साथ। चाय का कप कैसा था? यूज एंड थ्रो वाला? नहीं, नॉर्मल ग्लास था। उसने हमारी फैमिली की इंसल्ट ही नहीं की बल्कि हमारी बिरादरी में नाक कटवा दी। वो लोग समझते क्या हैं, उनकी औकात क्या है? हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे डैड। मैं रिपोर्ट डिलीवर करने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले हैं ना? छोड़ेगा,
किसी को मत छोड़ना। चल निकल यहाँ से। हमारे कांचीपुरम जिले में हत्याएं ज्यादा बढ़ गई है रियल एस्टेट राइवलरी की वजह से, और उस पर राजनीति भी। अगर उसे बीच सड़क पर मारा जाता है तो ये भी एक आम कत्ल होता, लेकिन उसको किडनैप किया गया, उसका मुंह काटा गया, उसके सर को तोड़ा गया, बाद में उसे नदी में फेंका गया। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। हमें अथॉरिटीज से दबाव आ रहा है। इसके साथ साथ उसकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें हथियारों का पता चल गया तो वो खुद उसे मार डालेंगे। जाने ये रुकने वाला नहीं है। तो उसे किसने मारा होगा, इसके पीछे किसका हाथ है, ये पता लगाना होगा। ओके गोपाल, बिना मुझे बताए तुमने ये क्या कर दिया? अगले दिन ही इसके बारे में सबको पता चल गया। क्या भाई जानते हैं सबके बारे में कि मेरे लोग पैसे मांग रहे? ये खबर भी बाहर आ चुकी है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, मेरे लोगों को मुझ पर शक नहीं होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई गोपाल, क्या मैं अभी भाई से मिल सकता हूँ? जीजा जी बाहर गए हैं, आएंगे तो बता दूंगा। मुझे उनसे पैसे चाहिए, मेरा मिलना जरूरी है। हाँ कह दिया ना, जब वापस आएंगे तो बता दूंगा। और तुम्हारे बकाया पैसे भी मिल जाएंगे। क्यों पीछे पड़ा है? बकाया पैसे मांग रहा है। कौन सा पिछला बकाया है? लेकिन अभी पूरा काम खत्म किधर हुआ है? मंत्री की बात मानकर बेकार में मैं लफड़े में फंस गया। सब कुछ निपटने दे, उसके बाद बुला लेना। ठीक है जीजा जी। ये छोटी जात वाले, जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे घर की लड़कियों को बहला फुसला के प्यार के चक्कर में फंसाते हैं। तुम्हारे खानदान और समाज में बहुत इज्जत है भाई, है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो जाए कि तुम बाहर मुंह दिखाने लायक ना रहो। मुझे इसी बात की फिक्र है। आजकल रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं या मारे जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे किससे मिलते हैं और कब मिलते हैं उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए तुम भी चौकन्ना हो जाओ, नहीं तो ये गलती भारी पड़ सकती है। तुमने इस लाइब्रेरी की किताबें पढ़ ली हैं। मुझे नहीं लगता किसी और ने तुमसे ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी। गुड, इन्हें पढ़कर तुमने अपनी स्टडीज भी पूरी कर ली, और तुमने तिरुकुरल पर बहुत अच्छी थीसिस भी लिखी है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह किसी पेशेंट ने लिखी है। पर तुम्हारी रिपोर्ट बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आती क्यों। चेक करके देखो फोकस ठीक है। इस मूर्ति का बिल्कुल क्लोज शॉट लेना, ठीक है? हेलो मुनीराज, सुनो इधर आओ। ये है मिस्टर मुनीराज, मैंने बताया था ना। ओ हाय, आपके बारे में ये बहुत बातें करती है। क्या ये भी तुम्हारी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? सही कहा, असल में मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ वेयर इज गॉड, और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। ओह, उस आर्टिकल में आपने ये बताया कि भगवान कहाँ है? असल में मैं उसमें यही लिखने वाली हूँ कि यही सबसे बड़ा झूठ है जिस पर लोग यकीन करते हैं। तुम्हारे माथे पे तो भभूत लगी है और ओम का निशान भी पहना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान को समझते हैं। मैं आपको अपना नजरिया बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसान बनने से पहले हम जानवर थे,
खाना और बच्चे पैदा करना ही हमारी जरूरत थी। उनमें से कुछ जानवरों ने सोचना शुरू कर दिया और वो सोचने वाले जानवर ही बाद में मनुष्य कहलाए। बाद में मनुष्य, जिनके पूर्वजों के अंदर भूख, ईर्ष्या, दुश्मनी जैसी चीजें नहीं थी, वो अब उनके अंदर आ गई। इंसान अब अपने दिमाग की शांति खोता चला गया और कहने लगा कि दिमाग शांत क्यों नहीं रहता। उसी शांति की तलाश के लिए मंदिर बनाए गए, जहां लोगों को पता चला कि दिमाग के अशांत होने की वजह क्या है। और जिन लोगों को वो शांति प्राप्त हुई, उन लोगों ने हमें शांत जीवन पाने का ज्ञान दिया इन किताबों के द्वारा, जैसे थिरुमंदिरम, तिरुकुरल, भगवत गीता, कुरान, थमापथम और बाइबल जैसी कई किताबें। और जिन लोगों ने इन किताबों का सही अर्थ समझा, उन्हें ही शांति और ज्ञान मिला। आप ब्रूस ली बनना चाहती हैं और हर रोज उनकी तरह प्रैक्टिस करती हैं, तो एक दिन आप ब्रूस ली बन जाएंगी। जबकि रोज उनकी फोटो को देखकर पूजा करने से आप कभी उनके जैसा नहीं बन सकती। सही कहा ना? मोर की आवाज आ रही है, चलो चल के पिक्चर लेते हैं। तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं काफी बिजी चल रही थी, लेकिन आज मुझे एक प्रोग्राम शूट करना है। अगर तुम फ्री हो तो चाहो तो हमारे साथ शूट पर आ सकते हो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। दरअसल मुझे मैकारी जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। साइकिल क्यों तोड़ी? अरे भाई, इसे क्यों मार रहे हो? क्यों, इसने क्या क्या है? क्योंकि ये हमारी घर की लड़कियों से बात करता है। मैंने किससे बात कर ली जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? अच्छी तरह से समझ ले, तुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? माथे पर भभूत लगाकर साधु बनता है। अरे अरे अरे, जाने दो भाई, छोड़ दो इसे, क्या कर रहे हो? जाने दो, चलो चलो। अरे उल्टे सीधे काम करता है। क्यों भाई, तुम नाव में नहीं आओगे? अरे नहीं नहीं, अभी ये नाव में नहीं आएगा, तुम नाव चलाओ, चलो चलो जल्दी। काम के हिसाब से जातियों का विभाजन किया गया है। क्या कोई काम छोटा या बड़ा हो सकता है? क्या काम के प्रति ईमानदारी से बड़ी कोई चीज है? हमारा समाज हमारे सैनिकों की बहुत इज्जत करता है, लेकिन यही समाज उन लोगों की मौत पर एक आंसू नहीं बहाता जो हमारी गंदगी साफ करते हैं। क्या दोनों की जिंदगी बराबर नहीं? मालिक, ठीक है। मैडम, मालिक आपको बुला रहे हैं। देखिए, अभी मुझे और शूट करना है। मैडम, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, आप जल्दी चलिए ना। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है।
मालिक, मैम अभी भी शूटिंग में है। नहीं नहीं, मैंने दो बार बोला फिर भी वो टाल रही है। वो अभी शूटिंग खत्म करके ही घर आएंगे मालिक। ठीक है मालिक। मालिक वो इसी तरफ आ रहा है, अभी मैं क्या करूं आप ही बताइए मालिक। मैडम, मालिक बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द घर पे लौटो। ठीक है, चलते हैं। हद होती है। बात है टीचर, तुम पेड़ को देख के क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूं कि हमारे यहां की जाति प्रथा भी इस प्लास्टिक की तरह है जो खत्म नहीं हो सकती। सोच रहा हूं इसे रिसाइकल कैसे किया जाए। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे? मैंने सारी तैयारियां कर ली है, पैसा मिलते ही हम लोग निकल जाएंगे। हमेशा की तरह वादा करके कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा? अभी तक पैसा नहीं मिला रवि, मिलते ही तुम्हें फोन करता हूँ। अपने लोगों से कहो वो राना माने, उसने आज ही पैसे देने का वादा किया है। लगता है कहीं बाहर गया हुआ है, फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है भाई। क्या बोला उसने? सुनो एक बार फिर से फोन करके देखो ना। ए, बात कर। हेलो। हेलो भाई, वो तो बाहर घूमने गए। गोपाल, मेरे आदमी पैसे मांग रहे हैं, क्या मैं खुद आ जाऊं? मैंने कहा ना वो अभी नहीं है, यहाँ आने से क्या होगा। मैं भी घर पर नहीं हूँ, जैसे ही वापस आता हूँ मैं तुम्हें फोन करूंगा। गोपाल, चाहता क्या वो? अरे कितनी बार कहना पड़ेगा, जैसे ही पूरा मामला खत्म हो जाएगा पैसा दे देंगे ना उसका। कौन हमारा क्या देख? क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर देवराज। बैठिए ना। तिरुमूर्ति के केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए आया हूँ। अरे आपको मालूम नहीं उसके बहुत सारे दुश्मन थे, उसकी बदतमीजी की वजह से बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन गए थे, उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। आपने सही कहा, 20 से 30 लोग उसके दुश्मन थे। इसके बारे में मालूम है मुझे। जहां उसकी लाश पाई गई वहां के सेल फोन टावर में आपके साले के फोन का सिग्नल रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा लाश जिस जगह मिली है उससे 50 मीटर दूर एक दुकान के बाहर सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हुआ है। एक ऑटो आपके साले के दोस्त के गैरेज में पाया गया है। उसी सिलसिले में आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ करनी थी। देखिए, मामले को रफा दफा करने के लिए नारायण के हत्यारे का नाम बता दीजिए, सब मामला टल जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद उसके बाहर निकलने की फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि हम उसका पहले ही एनकाउंटर कर देंगे। मामला हम आपस में निपटा लेंगे। वहां अब भी आपके साथ है? बोलो क्या बात है? किस्मत अच्छी है कि महा का केस हमारे डिपार्टमेंट में फिर से वापस आ गया है। मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि उसे सही सलामत पकड़ लूं। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। नारायणा सोच लो। इंस्पेक्टर था, महा के बारे में बोल रहा था।
उसे तिरुमूर्ति मामले में अरेस्ट किया जाएगा। अगर उसे अरेस्ट कर लिया गया तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। जेल में रहकर वो आराम से नहीं बैठेगा, बल्कि हमें मारने का प्लान बनाएगा और किसी को हमें खत्म करने के लिए सुपारी देगा। हमारे जितने भी लोग होंगे वो सबको खत्म करेगा, इससे हमारी जिंदगी हराम हो जाएगी। इंस्पेक्टर को पैसे देकर महा का एनकाउंटर करवाते हैं, खत्म करवा देते हैं उसे। क्या कहते हो? अरे सुनो, हाँ? मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। उनको तुमसे ट्यूशन के बारे में बात करनी है। उस दिन जो हुआ उसके बारे में बुरा मत मानना और उनके सामने इसका जिक्र भी मत करना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ ठीक है, चलो उनसे मिल लो। सुनो, तुम अपना फोन दे दो मुझे, मुझे जरूरी बात करनी है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। जाओ उनसे बात करो, मैं यहीं पर रहूंगा, तुम्हारे लौटते ही दे दूंगा। सर, सर क्या बात है? आप मुझसे मिलना चाहते थे? मेरे बेटे के ट्यूशन के सिलसिले में रामू ने बताया ही होगा। हाँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो गेट पर ही है। रामू, ए रामू, पता नहीं कहाँ चला गया। अब नारियल किससे कटवाऊं मैं? तुम खेती करते हो ना, तुम जानते हो नारियल कैसे काटते हैं? आओ आओ मेरे साथ। कहाँ मर गया ये रामू? ये रखे हैं, बहुत गर्मी हो गई है, नारियल पानी पीने से थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। अरे ये तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा निकालो ना। कहाँ मर गया ये रामू? अरे क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हुआ ये? हाँ? अरे ये तो सांप है, इसने मुझे काट लिया सर। पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया, ये तो गलत हो गया। तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो मैं झूठ मूठ के लफड़े में फंस जाऊंगा। मैं इन सब झमेले में नहीं फंसना चाहता। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए रस्सी लेकर आता हूँ। यहीं रुकना, हाँ हाँ रुकना यहीं पे। सर, अरे मिल नहीं रही, ढूंढ रहा हूँ। रस्सी का काम हो गया सर। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बांध दिया तुमने। सर प्लीज अपनी गाड़ी में मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दीजिए ना। हॉस्पिटल? हाँ हाँ, तुम यही रुको, मैं चाबी लेकर आता। सर, सर चाबी नहीं मिल रही है।
पता नहीं रामू ने चाबी कहाँ रख दी है, मिल ही नहीं रही। तो ठीक है, मैं पैदल ही हॉस्पिटल चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं रुको, मैं रामू को बुलाता हूँ। रामू। हाँ कोई बात नहीं सर। मैं चला जाऊंगा। अरे 2 मिनट रुक जाओ, वो आता ही होगा। रामू भाई, कोई है? तुम यहां पर कैसे? सांप ने मुझे काट लिया है। मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है और ये गेट लॉक है। गेट किसने लॉक किया है? आपने कहा था कि वो सुबह तक वापस नहीं आएंगी। वो वापस आई कैसे? अगर वो थोड़ा लेट हो जाती तो अब तक वो मर चुका होता। अब छोड़ो भी, तुम्हारी सलाह मानकर मैंने उसे सांप से कटवा कर मरवाना चाहा। सारी गलती मेरी है। अच्छा होता यहीं उसे गोली मार देता और तुम उसकी लाश को जला देते। देखो अब सारा मामला गड़बड़ हो गया। ची। माताजी, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बस उन्हें रेस्ट की जरूरत है। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? क्यों नहीं, जाइए। आंटी, आपके पास हॉस्पिटल के बिल के पैसे हैं या मैं दे दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हें अपने पिताजी को बता देना चाहिए कि मेरा बेटा एक अच्छा आदमी है। वो उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। क्या तुम देखना चाहोगी उसे? नहीं आंटी, मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगी? शर्मी आंटी, ऐसी हरकत करते हुए क्या कर रही है? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या? सॉरी, गंजे और सफेद बाल वाले बुजुर्ग नहीं होते हैं। इसने तो शैतानों वाली हरकत की है पापा। सांप काटने की वजह से वो मौत से लड़ रहा है और ये गेट लॉक करके चला जाता है। यहाँ का गेट कभी लॉक नहीं होता और ये दरवाजा भी खुला रहता है। सिर्फ रात के वक्त गेट बंद होता है। दिन के वक्त गेट क्यों लॉक किया तुमने? और वो भी चेन लगा कर क्यों लॉक किया? कई बार गाय अंदर आ जाती है। मैंने गांव वालों को समझाया भी था लेकिन कोई सुनता नहीं। गेट बिना लॉक के भी तो बंद हो सकता था, लॉक क्यों किया उसे? और नारियल तो हमेशा खुले रखे जाते हैं, हाँ? तो तुमने उसे बोरी के अंदर क्यों रखा? मेरे ऊपर इतना शक मत कीजिए मैडम। क्या कहा? अब जाने भी दे, किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना तुम सब जेल के अंदर होते। अरे सुन ना बेटा, एक दो कौड़ी के आदमी के लिए उसने तुम्हें कितना सुना दिया, उसकी बातों का बुरा मत मानना। बुरा क्या मानना सर, अपने ही घर की बेटी है। बोतल अंदर रखी है, लेकर आ जाओ, साथ बैठकर पीते हैं। जी मालिक जी। ए, तुम क्या करने जा रही हो? अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं अपना प्रोजेक्ट हॉस्टल में कंप्लीट करूंगी।
इधर उधर जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर लूंगी। एक बार मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी और जैसे ही जॉब मिलेगी मैं यहाँ से दफा हो जाऊंगी। तुम्हारी तरह एक अमीर आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती और रोज उसको दारू पिलाकर उसकी उल्टियां साफ नहीं कर सकती मैं। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। इस वक्त अकेले हॉस्टल कैसे जाओगी? ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं टैक्सी बुक कर लूंगी। मैं भी साथ चलूंगी। और मुझे वहां छोड़ने के बाद वापस कैसे आओगी? अपनी माँ के घर रुक जाऊंगी। और मोटू तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? बेटा वो अपनी आंटी के साथ रह लेगा। टैक्सी के आते ही मत निकलना, मैं भी चलूंगी साथ। मालकिन जी, मालिक की बोतल कहाँ है? उन्हें तो जैसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। ए, अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे कांच का एक एक टुकड़ा साफ होना चाहिए और अपने सर के लिए कोई देसी दारू लाओ। मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस वक्त जहर शरीर में फैल रहा था, दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें बन रही थी। मैं एक लाल साड़ी वाली औरत के साथ खड़ा हूं, जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। उसके बाद ऐसा लगा कि हम दोनों किसी का इंतजार कर रहे हों। जब तुम मेरे पास आए थे तो कई लोगों ने मुझे बताया कि कोई लाल साड़ी पहनी हुई पागल औरत दो बच्चों के साथ में हमारे घर के आसपास घूम रही थी। फिर वो औरत और एक बच्चा गायब हो गए थे। तुम अकेले वहां खड़े थे और मुझे अपनी माँ समझकर चिपक गए। अपने पति की मौत के बाद मेरे अंदर भी जीने की इच्छा नहीं थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे अपने लगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। शायद मैं ही मनहूस हूं, तभी तो तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। अगर तुझे किसी और ने पाला पोसा होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी में ये सब दुख नहीं आते। कम से कम तुम्हारा भाई किसी अच्छी जगह होगा और खुश होगा। मम्मी देखो उधर क्या है। क्या वो देखा तुमने? बाप रे, विशाखापट्टनम यहाँ से कितनी दूर है? हम वहीं पर जा रहे हैं, पर तुम इतना बेचैन क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें ट्रेन चलानी है? अच्छा, हम विशाखापट्टनम में रहेंगे या उससे कहीं दूर? वहाँ से 80 किलोमीटर है, दूर नहीं है। हाँ अच्छा, ये बताओ हमारा बेटा हिंदी में पढ़ाई करेगा क्या? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, पूरा इंडिया इंग्लिश मीडियम हो चुका है। हाँ वही तो, मैं यही चाहती थी कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे। हिंदी में पढ़ के अब कुछ नहीं होता। देखो अब हम दूसरे शहर में जा रहे हैं ना, तो मैं तो इसे इंग्लिश में ही पढ़ाई करवाऊंगी। इसमें तो प्राउड क्यों फील कर रही? हमारे यहाँ ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी, इसलिए इंडिया में हर जगह इंग्लिश मीडियम हो गया। जरा सोचो, अगर हम छड़ी और चाकू का इस्तेमाल करते और बंदर गन और हथियार का इस्तेमाल करके हम पे हमला करके हमें गुलाम बना लिया होता तो पूरा का पूरा इंडिया मंकी मीडियम में पढ़ रहा होता। आज लोग अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हैं खुद को अंग्रेजों की तरह गोरा दिखाने के लिए,
तब लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते बंदरों जैसा दिखने के लिए। एक बात कहूँ, तुम्हारे माँ बाप ना जरूर बहुत पढ़े लिखे होंगे। उनकी तारीफ मत करो जिन्होंने मुझे सड़क पर अकेला छोड़ा। हाँ देखो तो। क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हो, कौन है ये लोग? मेरा दोस्त है। दोस्त? डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है? हाँ, हम दोनों 12th में साथ में थे। ये उसी समय से डॉक्टर बनना चाहता था। उसने मेडिसिन की पढ़ाई तो नहीं की, पर सीधा क्लिनिक शुरू कर दिया और लोगों को दवाइयां देने लगा। लगता है किसी ने इसकी कंप्लेन कर दी है, इसीलिए पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। बेचारा। अच्छा, रामचंद्रन ने तुम्हें कब फोन करने के लिए कहा है? भाई, आपने मुझे फोन करने के लिए कहा था। महादेव, किधर है तू? आपके घर के पास ही हूँ, आप जब कहेंगे 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, ध्यान से सुन, प्लान चेंज हो गया है, अब तू सीधा हमारे गेस्ट हाउस पे आ जा। ठीक है भाई। सर, क्या आप उसे यहां से ले जाएंगे या यहीं पर गोली मार देंगे? वहां पर तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे बेटा। मुझे उसने अभी बुलाया है, उसके गेस्ट हाउस जाना होगा। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ। पैसे लेकर आता हूँ, तुम तैयार रहना। ठीक है, चलो चलते हैं। नाकाबंदी वाली पुलिस है, ये लोग मेरी शक्ल नहीं जानते होंगे। मेरी तलाश पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है, ये अपनी रूटीन ड्यूटी कर रहे होंगे। तुम सोनू को लेकर निकल जाओ, ऐसे दिखाना जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो, और सीधा बस स्टैंड पहुंचो, मैं कार लेकर वहां पहुंचता हूं। वहां से हम दोनों साथ निकल लेंगे। अगर मुझे देर हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना, बस पकड़ के सीधा घर पहुंचना, वहां मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। ये लो, पैसे रख लो। मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनू अपने साथ है, निकल जाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। जाओ। अरे यादव, किधर? जी सर। देख, त्रिमूर्ति के मर्डर केस में हमें शायद उसी आदमी की तलाश है, उसे फॉलो करो और मुझे बताओ। ओके सर। सुनो पाटिल, याद है तुमने अपने केस के सिलसिले में मुझे एक क्रिमिनल की फोटो दिखाई थी, अभी वैसा ही आदमी मेरे सामने है। रुक जा,
अब चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, चलो चल चल। सर सर क्या हुआ, मुझे क्यों पकड़ा है सर? हाँ हाँ सब बताते हैं, चलो पकड़ने के लिए जा रहा था सर। हाँ बस पकड़ने, अरे नहीं चलो, मुझे चलो पुलिस स्टेशन। सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ जो भी करना है उधर कहना, बात तो चलो सर। मैं पाटिल सुनो, उस आदमी को मैंने पकड़ लिया है, तुम्हें इसी वक्त आना होगा। सर चलो, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, आप हाँ सब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो बैठो यहाँ पर, चल 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 बैठो, जो जब मैं बस पकड़ने जा रहा था। पीली साड़ी में एक लेडी है और उसके साथ 5 साल का बच्चा है ब्राउन शर्ट में, वो लोग बस में जा रहे हैं। उन दोनों को पकड़ कर जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन ले आओ, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। बस का रूट रिंग रोड से है। वो यहाँ से भाग गया है। उस लेडी को अरेस्ट मत करना। पीछा करो और पता करो कहाँ रहती है। ओके सर, ठीक है सर। महादेव किधर है तू, पहुंच गया ना? नहीं भाई, पुलिस ने मुझे गोली मार दी, मेरा खून बह रहा है, मुझे किसी तरह बचा लो प्लीज भाई, मेरा परिवार है, बच्चा है। परिवार है? इस समय तो किधर है? भाई मुझे छोड़ना मत। बोलो। उसका फोन सिग्नल सालेम रूट पर दिखा रहा है, तुम उसे हाईवे से फॉलो करो, मैं बताऊंगा कि इसके बाद क्या करना है। वो मर गया है तो फिर अपना काम खत्म, उसको मारने का क्रेडिट हमारी टीम को मिलना चाहिए, ठीक है? चलो अब जाओ।
गोपाल, गोपाल, देवराज कहाँ है? महादेव का फोन आ रहा है। मैं देख कर आता हूँ, शायद वो बाहर गए। फोन उठाइए वरना कट जाएगा। मैं उठाऊँ? हाँ उठाइए ना। hey, महादेव किधर है तू? तेरे से बात करते टाइम फोन कट गया, फिर तेरा फोन ऑफ द ब्रिज हो गया, उसके बाद तूने फोन नहीं उठाया। अभी किधर है तू? क्या हुआ तेरे साथ? मैं ट्रेन में बेहोश हो गया था। प्लीज मुझे बचा लो भाई। क्या रे, तूने कभी बताया नहीं कि तेरी फैमिली है? और मुझसे ये क्यों नहीं बताया कि तू शादीशुदा है? मैं इंसान नहीं अगर इस टाइम तेरा साथ छोड़ दूं। तू बिल्कुल फिकर मत कर, पर है कहाँ तू? मुझे मैप में इरोड के पास सुंदरबन जंगल दिखाई दे रहा है। क्या कहा? सुंदरबन जंगल? हे तू फिकर मत कर, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जिसके साथ जमीन का सौदा किया था, वहाँ आस पास जोशी गेस्ट हाउस होगा। वहाँ जा और उसके मालिक से मिल। उसको मेरा नाम बताना, बात करवा मेरी उससे। लेकिन भाई बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और गोली बाहर निकलवानी पड़ेगी, उसके बाद ही दर्द से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, एक काम कर, किसी भी आसपास के हॉस्पिटल में तू अभी के अभी जाकर एडमिट हो जा और मुझे फोन कर, मैं कुछ ना कुछ करूंगा तेरे लिए। ठीक है भाई। कहाँ हो तुम? सेलम के रास्ते पर हूँ, इरोड की तरफ जा रहा हूँ सर। इरोड से पहले एक जगह है कट्टमनायका पलयम, वहाँ आसपास के सभी हॉस्पिटल में ढूंढो, मुझे पता चला है कि वो उसी इलाके में कहीं घूम रहा है। ओके सर। उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, हर हॉस्पिटल में अच्छी तरह ढूंढना। ओके सर। सर, सर, इतनी रात गए कौन है? तुम यहीं रुको। हाँ, कोई सर भी मुड़वा ले तो हमारी तेज नजरों से नहीं बच सकता है, और इसे लगता है कि खाली मुझ मुड़वा कर ये हमारी नजरों को धोखा दे देगा। उसे नींद में उठाकर पकड़ने से अच्छा है स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन देकर बेहोश कर दो, फिर बाकी पुलिस स्टेशन में देख लेंगे। हुँ?
ए महा, तुम कहाँ हो भाई? सब गड़बड़ हो गई रवि, मैं कहीं फंस गया हूँ। पुलिस मुझे एनकाउंटर करना चाहती है। मेरा शक सही निकला, इसलिए मैं तुम्हारा फोन बार बार ट्राई कर रहा था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया और पेमेंट ना मिलने की वजह से हमारे लोग अब तुम पर शक करने लगे हैं। मैं रामचंद्र के गेस्ट हाउस पर आया था और मुझे यहाँ इंस्पेक्टर देवराज दिखा। ये तो क्या कह रहा है? देख, इनकी कुछ खिचड़ी पक रही है, इसलिए यहाँ मत आना। रामचंद्र ने मुझे एक जगह जाने को कहा था, मैं वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। ए, तुम खतरे में पड़ जाओगे दोस्त, वो इंस्पेक्टर रामचंद्रन के साथ है, ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहां से जल्दी से निकल, इससे पहले कि तू पकड़ा जाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे घर आने की? रुक, तूने हमारे मालिक को मारा। जाएगा बचके, बच के नहीं जा सकता तू। रुक, रुक, तुझे छोड़ेंगे नहीं आज। तू क्या? रुक जा। करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा मैं वो नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। मुझे मेरी माँ को फोन तो करने दीजिए सर। सर 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 प्लीज मेरी बात सुनिए, वो मुझे ढूंढ रही होगी सर। सर सर सिर्फ एक कॉल सर। सर सर के लिए है मुझे। ये ले, ये मुझे नहीं चाहिए, सॉरी सर। अरे रखना, रख। नहीं सर, मैं ये नहीं ले नहीं ले सकता। नहीं सर, नहीं। चल तू रख। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? हमें नखरे मत दिखाना, चुपचाप उठकर बाहर चल। गाड़ी खड़ी है,
वरना तेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, समझी? बच्चे को उठा, उठा और चल जल्दी कर। सुनो, उठ बेटा, सुनो। बड़ी खूबसूरत हो, उस गुंडे से शादी कैसे कर ली? तुम नहीं जानती थी कि वो तुम्हें धोखा देगा? हाँ, अब तुम क्या करोगी? अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? कुछ नहीं सोचा ना? अरे कुछ तो सोचा होगा, तुम तो उसके साथ थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी एक दो केस फाइल करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी खूबसूरती और जवानी बर्बाद हो गई, तुम्हारे बेटे को जुविनाइल हाउस में डालना पड़ेगा। देखो ना, रो रो कर तुम्हारा चेहरा सूज गया है, जाओ वॉशरूम जाकर आओ, फ्रेश हो लो। इंसान को हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। तुम्हें मॉर्चुरी में चलना है, तुम्हारे पति की लाश जो तुम्हें पहचाननी है। जाओ, अरे जाओ, फ्रेश होकर आओ। हे हे, क्या हुआ? देवराज, तुमने क्या कह दिया? उसने ऐसे क्यों किया? अरे मैंने कुछ नहीं कहा यार। तो वो अपने आप ही कूद गई? अरे मैंने उससे कहा कि हॉस्पिटल में चलकर लाश की पहचान करनी है, और क्या? क्या, किसने कहा कि वो मर चुका है? उसकी हालत नाजुक है, डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे डॉक्टर ने कहा कि उसे बचाया नहीं जा सकता, तो उसमें मैंने क्या गलत कह दिया? लेकिन वो अभी जिंदा है, तुमने इससे ये बात क्यों कही? तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो। ए सुनो, जल्दी से फायर सर्विस को बुलाओ, जाओ। भाई, मैं एक मुजरिम हूं, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। अंदर जो औरत है वो मेरी पत्नी है, मुझे उसको ले जाना है, मुझे उसको सिर्फ एक बार देख लेने दे भाई। अंदर जो लेटा हुआ है वो मुनि ही है, उन लोगों ने इसके सर पर बहुत गहरी चोट दी है। Yeah.
आराम से इस पैसे से ऐश करो तुम सब के सब। बहुत बड़े आदमी हो गए हो, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लाइफ में ऐश करो, मजे करो। सुनो, महा खत्म हो चुका है, उसकी फिक्र मत करो। जिंदगी ऐसे ही हंसते हंसते बीत जाएगी, बस ऐसे ही मुझ पर भरोसा करते रहना। अब इंडिया टूर पे जाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, बस ऐश ही ऐश। अच्छा हुआ याद है, कॉलेज के सेकंड ईयर में था तो मैं एक लड़की के प्यार में पड़ गया। सच्चा प्यार, एकदम सच्चा प्यार। मैं उसे दिल से चाहता था, वो मुझे अपने घर ले गई। वहाँ ससुर जी मिले, मैंने ससुर जी को नमस्ते किया और बिंदास बोल दिया कि तुम्हारी बेटी के पेट में मेरा बच्चा है। वो मुझे घूरने लगा। मैंने कहा आपको यकीन नहीं हो रहा है? तो जानते उसने क्या कहा? तीन और लोग ऐसा कह चुके हैं। सब कुछ भरोसे पर है, उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, ये मेरा भरोसा था। मैं दूसरे की बात मान ही नहीं सकता था, लेकिन वो तीन लड़के उसके ऊपर भरोसा नहीं किया और चले गए, और लड़के के बाप की पूरी दौलत मेरी। कमाल की कहानी थी। सिर्फ भरोसे से ही शांति मिलती है और प्यार मिलता है। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिंदगी में आगे देखो, समझे भाई लोग? अब सिर्फ शांति है, समझ गए? हम लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। हमेशा एक दूसरे का साथ देना। ये क्या है? वो लाइट कैसी है? कौन है जरा देख? क्या है? ले, अचानक हमारे घर की लाइट कट गई। ए, कौन है उधर? क्या कर रहा है? अरे चलो भागो। अरे चलो इधर से, उधर उधर चलो।
क्यों किया भाई? ए, रुक जा, रुक जा। महा, ए महा, महा, ए महा, उठ, महा क्या हुआ? तुम बिल्कुल साफ बोल रहे हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी ये केस रिपोर्ट इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें यहाँ से छोड़ने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। अगर तुम्हारे केस को कोई अच्छा जज देखेगा तो शायद तुम्हें छोड़ दिया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, विश यू ऑल द बेस्ट। महा जिंदा रहने के लिए हत्यारा बना था और खुद को मुनि की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। थिरुकुल जाने के बाद महा में फिर से जीने की इच्छा जागृत हुई। इसको पहचाना क्या? छोड़ना, नाव जल्दी चला भाई, हम इसके साथ नाव में नहीं बैठेंगे। हमें छोड़ना, उसके बाद इसे ले जाना। चलो चलो। सुनो भाई, तुम यही इंतजार करो, मैं इन्हें छोड़कर वापस आता हूँ। अचानक से आज मौसम को क्या हो गया? रोज तो सही रहता था। मौसम बहुत खराब हो रहा है, नाव वापस ले चलो, किनारे पर ले चलो। जल्दी आओ। ये क्या है? मौसम कैसे खराब हो गया? अच्छा हुआ कि हम वापस आ गए। हाँ सही कहा, जब तक मौसम सही नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे।
पिछले साल खराब मौसम की वजह से ही एक नाव डूब गई थी और उसमें 3 लोग मारे गए थे। उसमें से एक की लाश को ढूंढने में 3 दिन लग गए। यहाँ से देखने में किनारा भले ही पास लगता हो लेकिन वो 1.5 किलोमीटर दूर है। तुम जाने पहचाने से लगते हो, कौन हो तुम? महामुनि, उसे मानसिक शांति मिली और ज्ञान प्राप्त हुआ। सोनू, जो महा की तरह ही अनाथ हो चुका था, दीपा ने उसकी कस्टडी लेकर मुनि की मां देवरानी को सौंप दिया। देवरानी ने अपना घर और जमीनें बेची और सोनू को लेकर मेकराई चली गई और वहां खेती बाड़ी करने लगी। महा ने मुनि के मकसद को अपनाया और अपने बेटे सोनू से मिलने के लिए लंबे सफर पर निकल गया, बाकी जिंदगी उसके साथ गुजारने के लिए।